गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व को लेकर खाकना के बस स्टैंड से गुरुद्वारा तक आकर्षक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सिख समुदाय के संत गुरुओं के साथ बड़ी संख्या में महिला, बच्चे और आम नागरिक शामिल हुए, जिसमें सिख समुदाय के बालक बालिकाएं, युवक युवतियों ने चल समारोह में भाग लिया। साथ ही पारंपरिक वेशभूषा के साथ तलवारबाजी, लाठी से करतब दिखाए, जो आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारे में 3 दिनों तक अखंड पाठ किया जा रहा है और भजन कीर्तन किया जा रहा है और अरदास कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व की आज शुरुआत हुई है, जो अखंड पाठ साहिब रखने के पश्चात गुरु का अटूट लंगर का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। उसके पश्चात यहाँ से 2 किलोमीटर से जो है नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, उसमें दत्ता टीम भी थी, उनने भी अपना कर्तव्य दिखाया और इसमें बहुत ही अच्छा सहयोग ग्रामवासियों का भी रहा, उन्होंने बहुत सहयोग किया इसमें। इसमें पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा, ट्रैफिक को कवर करने में मीडिया बंधुओं का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रथम पातशाह हमारे जो है गुरु नानक देव जी, उनका प्रकाश पर्व 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। हाँ जी, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जो आप जी ने देखा ही है आज, जो हमने नगर कीर्तन के रूप में एक एकता का संदेश दिया है और खटनार के सभी लोगों का बहुत बहुत इसमें धन्यवाद है, योगदान है। क्योंकि कहने को तो गुरु नानक देव जी सिखों के गुरु है, लेकिन माने जाने में वो जगत गुरु है, हिंदू मुस्लिम सबके वो गुरु माने जाते हैं गुरु नानक देव जी। आज उनका आयोजन हमने किया है, अखंड पाठ साहिब की आरंभता हुई है और परसों अखंड साहिब पाठ का भोग पड़ेगा और फिर अटूट लंगर सुबह से शाम तक 11 बजे से लंगर शुरू होगा तो शाम के 5 बजे तक गुरु का लंगर अटूट बरते।